जी भाई आपने लोकल नींबू ढूंढ रहा था ना। हाँ ये देखो ना ये लोकल नींबू। लोकल नींबू वाह। तब तो टारो में बसे रहा है दुखा लाई एक दिन बाद। अब यहाँ दिलाना फिर थोड़ा हाथ धोना पड़ेगा मुझे। बादल की चाह। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों आप सब कैसे हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं तनेक बस्ती, जहाँ पे जाके ना थोड़ी सी हेल्प करनी है। ठीक है भैया, हमारे जो भी टीम के मेम्बर्स आगे निकल चुके हैं यहाँ से, और मैं ना यहाँ पे उतर गया क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड है, गाड़ी का जो नीचे है ना वहाँ पे लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए गाड़ी को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं उतरा हूँ, लेकिन यहाँ पे हो रही है बारिश। क्या करे गाइस, बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी है ना। हमारे भरत भैया, हेलो भरत भैया, बाटो यस्तो छ भाई, रास्ता देखो गाइस जैसा है, ल्याउनै पर्छ अब सेवाको काममा ल्याउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, माया गरेर भएन हो त्यही त है। अब के भाँच्छ के यस्तै भयो, यस्तो अम्बो यहाँबाट झन् अफ रोड रहेछ, हेभी अफ रोड हेभी छ नि भाइ। गाइस हाम्रो बसन्त भैया, हेलो फ्यामिली, नमस्ते भाभीजी सब लोगको, अरे हाम्रो हिरो। तो चलो गाइस अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं, और ये देखो गाइस यहाँ पे भी रोड के हालत खराब। लोग आ पहुंचे हैं तनेक बस्ती, ये देखो गाइस यहाँ पे है कौन, कितने सारे वाओ। हम लोग आ पहुंचे हैं जहाँ पे हम आए थे, ये है घर आपने भैया। हाँ जी जी भाई, आपने लोकल नींबू ढूंढ रहा था ना। हाँ ये देखो ना ये लोकल नींबू, लोकल नींबू वाओ, बढ़िया है ना। ये नींबू दो तीन पीस लेके जाना पड़ेगा लगता है यार। ये देखो नींबू गाइस वाओ। आज नानी स्कूलमा छ हैन भाइ यार दिन हो, अन्त हाम्रो युट्युब फ्यामिलीले अस्ति फेरि तपाईहरुले हेर्नु भयो छ भिडियोमा हो, युके फ्यामिली युके बाट तपाईहरुको लागि पठाइदिनु भएको छ पैसा 20,000 रुपैयाँ हो। यो चाहिँ अस्तिको उहाँको छोरीको बर्थडे है, जुलाई 3 तारिकको दिन चाहिँ उहाँको छोरीको बर्थडे थियो रहेछ, प्यारो छोरीको, अनि उहाँको छोरीलाई आशिष होस्, यहाँ घरको बाबा आमा है बहिनीकोबाट पनि केही भगवान्लाई सम्झिन्छ होला नि त राम्रै होइन, राम्रो होस् भनेर होइन उहाँहरूले पठाइदिनु भएको छ तपाईँहरूको लागि है। पहिला म पैसा गर्छु दिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् है ल। अनि यो घाँटीको कस्तो भयो? अलिक पहिलाहरू चाहिँ विक पुरा रिङ्गटाहरू लाग्थ्यो, हिँड्नु पनि गलिहाल्थ्यो कि, त्यो भन्दा चाहिँ अहिले दबाई खाएर निकै राम्रो भयो। खै पड्काउनु चाहिँ छोड्नु भन्ने छ। कस्तो पड्काउनु? यसरी म पड्काउँछु नि त, यसरी गर्दै ठ्याक ठ्याक गर्दै, हजुर त्यो चाहिँ छोड्नु भन्ने छ। त्यसरी पड्काउनु हुँदैन, खाना कुरा खुड गर्नु हुँदैन, ठिक हुन्छ अरे डक्टरले भन्नुभयो। हजुर दबाईहरू खाँदैछ, हजुर ल। अब के भनिदिने हो, अलिकति अगाडि गएर भनिदिनु पर्ने, यहाँ मजाले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले हेरेर यो घरहरू हामीलाई भयो, नानीहरूको नानीको उयो ट्युसनहरू खर्चाहरू तपाईँहरूको युट्युबको दाजु तपाईँहरूले नै हेरिदिनु हुँदैछ, अन्त सबै राम्रो भएको छ। धेरै नै हामीलाई अब सबै बिमारहरूदेखि लिएर छोरालाई स्कुल खर्च त ट्युसनको खर्च सबै खानुको लागि राम्रो राम्रो चामलहरू तपाईँहरूले अब धेरै दुःख गरेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। मैले चाहिँ कहिले धर्म गरेर तपाईँहरू जस्तो धर्म गर्ने मान्छेलाई भेटेँ जस्तो लाग्यो, तपाईँहरू जस्तो धर्म चाहिँ अब यति ठुलो धर्ममा आँखाले नै अब हाम्रो पापाले आमाले देख्नु पायो, तपाईँहरू जस्तो धर्म गर्ने मान्छेहरू अहिले अहिले अब यस्तो बेला अब हुँदो रहेछ, सबै नै तपाईँहरू जस्तो भइदियो सिकि हेरेर सबै तपाईँहरू जस्तो धर्मको हुन्छ होला। हुन्छ धन्यवाद। भनिदिनुहोस् छोराछोरीहरूले देश विदेशमा हेरिराख्नु भएको छ आशीर्वाद के भनिदिनुहुन्छ भनिदिनुहोस्। तपाईँ सबै आशीर्वाद, यति दुःख गरेर
बुढाबुढीमा भएको के आँखाले पनि एक नम्बर भ्याउँदैन. धन्यवाद. हुन्छ हुन्छ. अहिले अन्त के खानुभयो दिउँसोको? हजुर यहाँ का भी हाल ऐसा ही है. एक्चुअली भरत भैया यहाँ पे क्या हुआ है? क्या बीमार क्या है? वो दाजू पापा भी बीमार है, वो बेटी भी बीमार है ना. बेटी भी बीमार है और उनका माँ है थोड़ा सा बूढ़ा है. माँ है वो घास काटता है. इससे ऐसे ही दुख सुख में ये पूरा छप्पर ये पूरा छत चला गया था. बना दिया है यूट्यूब से ही ना पवन भैया. राम लोग बहुत अच्छा. तो चलो गाइस आज भी यहाँ आके थोड़ी सी मतलब दुख भर कहानी है. ठीक है. तो आजकल ना वीडियो ऐसा ही बन रहा है. एक्चुअली कहीं जा रहे हैं हम, हेल्प कर रहे हैं. हमारे साथ जोड़ी भैया, भरत भैया, बसंत भैया है, सब मिल के हेल्प करता है. कौन सारा का सारा पक चुका है यार अभी तो. और हमारे भाभी जी आज गाड़ी से नहीं निकले, क्यों? पूरा गीला है ना रास्ता. बहुत खराब है ना रास्ता. खराब फिसल कर गिर गया तो. उफ, गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है. मुंटा है ना यार ऐसे बारिश में. देखो कौन सा गाना गा रहा है. तन्हा ही तन्हा ही दोनों को पास ले आई. हरे भरे हरे भरे बाजार में यही सब्जी 50 रुपए किलो, 60 रुपए, 80 रुपए किलो मिलता है. यही है फायदा विलेज में रहने का. विलेज में रहने का फायदा यही है. खाने में भी ऑर्गेनिक मिलता है और मेहनत करो तो पैसा भी नहीं लगता है सब्जी उगाने में, है ना. मेहनत लगता है, पैसा थोड़ा सा पैसा में आपको मिल जाता है सब कुछ. आँखा कोई इशारा हो टले भी जरा मैं तेरा मोई तेरा. गाइज यहाँ पे हो गया कांड. गाड़ी नहीं खींच रहा, देखो कीचड़ में घुस गया. यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कीचड़ ही कीचड़. देखो देखो होइन हामी चान्नु कि हामी ठेल्छु नि फेरि. ल आउनु. यहाँ रहेछ नि त भयङ्कर चाहिँ. यहाँ पे देखो है, यहाँ पे घुस गयो टायर. यहाँसम्म आएको थिएँ, यहाँबाट ठेले भने निस्किहाल्छ. ढुङ्गा लुङ ढुङ्गा लुङ गाइस. देखो गाडी न खिच नै रहा यार, मुश्किल नै पड गया. फिर देखो आ रहा के ढुङ्गा लुङ्गा छौ. अब चाहिँ जान्छ पट्टै त्यसले त भित्र लाग्छ होला. यो पछाडि गएर एकछिन ल. लुटा
ट्राई गरौँ ल। कुन चाहिँ पट्टि लोड यतापट्टि लाख कोशिशों के बाद भी ना हमारा जो भी मेहनत है सफल नहीं हो रहा है यार। देखो यहाँ पे ना बहुत ही भयंकर कीचड़ है यार। देखो मेरा हालत देखो भाई इतना है। कैसा कैसा जुगाड़ लगाया था, पत्थर भी लगाया था, वहाँ पे भी पत्थर है लेकिन हो नहीं रहा यार। क्या करें अभी, हमें कुछ और लोग चाहिए धक्का मारने के लिए। क्या करें, चलो बसंत भैया को एक बार ट्राई करने देते। ऐसा हाल था तो थोड़ा सा एडजस्ट करके हमने गाड़ी खींच लिया। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो गया। थैंक यू दाजू। यहाँ पे भैया ने भी थोड़ा सा हेल्प किया हमें आगे तक लाने के लिए, और गाड़ी को ना आगे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए जाने दे दिया। ला 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 ला, गाड़ी नहीं खींच रहा। ये कैसा मिट्टी है, उफ। आज तो भाई सांस निकल गया है यार गाड़ी का धक्का लगाते लगाते। चलो यहाँ पे थोड़ा सा वॉश कर दे, जूता साफ करना पड़ेगा। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए तो चलो हाथ धो लेते हैं, और बाद में फिर आगे और धक्का लगाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी ऊपर तक गया था अभी तक खींच नहीं रहा है ऊपर। ठीक है, देखो रोड का हालात भी क्या हो रखा है यार, बारिश की वजह से पूरा ख़त्म। गाड़ी को फिर वापस लेके आके फिर से जाएंगे एक मोशन मिला के, है ना। तो चलो गाइस फिर से अभी खींच रहा है गाड़ी। आई हुई सी गाड़ी ना खींच के ले जाए अभी, हम भी पीछे पीछे दौड़ के जा रहे हैं ताकि धक्का लगाने में आसानी हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ला गाइस देखो ऐसा है ना रोड भी भयंकर डेंजर। थैंक गॉड गाइस यहाँ पे आके अटका था गाड़ी, फिर हमने धक्का लगा के निकाल दिया। फिर से भाभी और जड़ी भैया को बिठा दिया है हमने, आई होप। अरे अरे नहीं खींच रहा यार, तनाव तनाव हो गया तनाव। लो अभी जाएगा जाएगा, हाँ थैंक गॉड। जो ये क्लच प्लेट का स्मेल है ना भयंकर आ रहा है यार। ये देखो ये हाल है रोड का भाई। हमें जंगल में मिला पानी, ये होली खेलेंगे। चलो होली नहीं खेलते अभी, थोड़ा हाथ धोना पड़ेगा। मुख तो ना धुँ होला है, मुख ना धो पसिने पसिने भर अब पूरा फेस बिग्रिन्छ अरे मेरे त्यही त भएको रहेछ। पसिना आयो तातो पानी के अरे चिसो पानी मुख धोइहाल्यो। तपाईँलाई भयो है? भयो हातमा त पकडेको ओके डन खलास। देखो भाइ एक्चुअली यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसा ही रखा था। अभी तो बारिश का सीज़न में पानी की कोई दिक्कत है ही नहीं यार, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। चलो
पिक अप आज तो मजा आ गया बो मैम तो क्या बोल रहे इसको पत्थर को फुटबॉल खेल लेते हैं तुमको आज मेरे को पत्थर लगेगा ना भाई देखो और कितना चलना पड़े मैं तीन निकाले क्या भाई ऊपर रोड में ही पहुंच गया क्या गाड़ी नहीं नहीं देखो यार गाड़ी कहाँ गया साथी सीधे उ लगू अब मैं पुगे क्या भाई तो यार कहाँ गए यार ठाई छे अज कहीं टाड़ो होगा और कितना दूर है यार ये देखो बैम्बो ये मेन रोड क्या बड़ा मैं मेन रोड पुगे क्या हाँ कहाँ गया भर तला कल कर ओ देखो भरत भाई यहाँ आके गया यार भाई साहब गाड़ी छुपा के रखते हैं यार हमने तो इतना पैदल चलाया यार आधा घंटा फिर ये क्या है गुगली कर दिया गाड़ी छुपा के रखा हम ऊपर जा रहे थे देखो गप करके करते चला जाएगा तो फिर हम तो छपे पड़ा था थार हो थार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने तो मिट्टी है सीमेंट सीमेंट आया थोड़ा सा देखो उफ गाइस जिंदगी में फिर से तनाव देखो फिर से उतरना पड़ा हमें यहाँ से नहीं खींच रहा था वहाँ पे नहीं खींच रहा था क्या है ये फिर ही ना खींचेगा फिर बेकार है आज तो भाई कार्डियो अच्छा हो गया पसीना पुछते पसीना टिश्यू पेपर का हालत चट्टी हो गया जी चट्टी बन गया देखो गाइस वाओ आज का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही था नेक्स्ट लेवल वाला कभी कभार ऐसा होता है रेनी सीजन में हिल्स में यार पानी बहता है ना रोड में नाला का जैसा हो जाता है रोड तो यही दिक्कत है चलो तो ऊपर जाके मिलते हैं फिर बांस के जड़ देखो भाई भयंकर है वाओ यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हल्का सा शॉपिंग का बिल तेरा यार भरेगा।